नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रदीप निफाड़कर महाराष्ट्र के पुणे से आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो दीपा जी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दीपा जी और उनके पति अमित जी दोनों भी हर एक को सान्निध्य में लाना चाहते हैं। सान्निध्य में लाना इसका एक अलग मतलब है, क्योंकि आपको मालूम होगा सान्निध्य ये शब्द कैसे बना। सम और निधि इसका मिलाप सान्निध्य में होता है, यानी कि आपके पास इतना कुछ है कि मैं आपके पास रहकर उस भंडार में से कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भी जो मेरे भंडार में है, जो मराठी कविता के भंडार में है, वो आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी से ताल्लुक, हिंदी से रिश्ता मराठी का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपको पूरे हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी श्रोतागण जानते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हर वक्त दिखते हैं मुझे। दीपा जी ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा किया है, तो इसलिए मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी गजल मैं आपके सामने पेश करूंगा, अपनी कविताएं पेश करूंगा। मेरी कोशिश यह है कि आप सबको मैं थोड़ा बहुत मेरा कलाम और थोड़ा बहुत मराठी कविता के बारे में सुनाऊंगा, क्योंकि मराठी कविता तो एक समुद्र, एक सागर जैसी है, और इसमें से कुछ इन्हें चुने मोती भी लाना है तो बहुत वक्त लगता है। मैं तो दीपा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप हर एक भाषा के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे हमें एक दूसरे के, जैसे आजकल आप टीवी में देखते हैं कि रेसिपीज दिखाते हैं, जैसे लखनऊ में कौन सी कबाब कैसे बनाते हैं या तमिल में कैसे क्या बनाते हैं, वैसे ही हम हर एक भाषा की कविता को हम जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोशिश आपने की है, लेकिन उसकी शुरुआत है ये। आप सभी, आपने जो दोस्त है, उन सभी दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे मानेंगे कि भाई आप आइए और यहाँ इस मंच पर मंच का लाभ उठाइए और हमें भी ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य दीजिए। मैं, बहुत से लोग जुड़ गए, चेतना जी, धनंजय जी हमारे दोस्त हैं, सुनील जी, सबको, बापू दासरी जी, बहुत उनका मैं आभारी हूँ, क्योंकि कोरोना से वो आगे हॉस्पिटल में है, फिर भी हॉस्पिटल से वो देख रहे हैं। रविंद्र जी, अमित जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं पहली रचना मेरी सुना देता हूँ, मेरी गजल है, मेरी बहुत ही प्यारी गजल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आपके सामने सुनाता हूँ। मैं पहले मराठी में आपको सुनाता हूँ, बाद में उसका हिंदी तर्जुमा जैसे मुझे हो सकता है, मेरे मेरे से हो सकता है वैसे मैं, यस यस अमित जी, मेरा सहयोग रहेगा, आपको जरूर रहेगा। मराठी के बारे में तो मेरा सहयोग पूरा है आपके साथ, और भी मेरे जो दोस्त है, मलयालम दोस्त है, जो आसामी है, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ लाने की हम कोशिश करेंगे। अद्वैत जी नमस्कार। तो मेरी जो गजल है, पहली गजल मैं आपको सुना देता हूँ, ये क्योंकि ये प्रोग्राम कवियों के लिए है, और कवि क्या होता है उस गजल में मैंने कहा कवि बहुत ही खुशगवार रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है, बहुत ही आनंदी रहता है, और बाकी के लोग कैसे होते हैं, पहले के मतले में मैंने वो कहने का प्रयास किया है। हसण्याची संधि असूनी ते सारे रडले होते, हसण्याची संधि असूनी ते सारे रडले होते,
मी हासत हासत जगलो, मी दुख पचविले होते। मतलब है, हंसने का मौका आया तो भी कुछ लोग रोते रहते हैं, हंसने का मौका आया तो भी रोते रहते हैं, लेकिन मैं हूं कि जो हंस हंस के जीता हूं। क्योंकि मैं इतना हंसता क्यों हूं, क्योंकि मैंने दुख को पचाया है, दुख को समो लिया अपने अंदर, इसलिए मैं हंस रहा हूं। फिर से आपको सुनाता हूँ जी, कवि अस्ताना जी, धन्यवाद। फिर से दोहराता हूँ, हसण्याची संधी असुनी ते सारे रडले होते, मी हासत हासत जगलो, मी दुख पचविले होते। आप शेर देखिए, मी हासत हासत जगलो, मी दुख पचविले होते, मी एक कवि छोटा सा बदलून टाकतो दुनिया। आप कहेंगे हाँ कादंबिनी, नमस्कार, पाठे पाठे उठ लिए हैं। कादंबिनी जी अमेरिका से सुन रही है और वहाँ सुबह के 5 बजे है, वो आज ज्वाइन हो गई है, धन्यवाद कादंबिनी जी। ये मराठी लोगों का प्यार है मेरे ऊपर और मराठी कविता के ऊपर ज्यादातर, इसलिए वो सुबह भी देखते हैं तो 5 बजे उठ के सुनते हैं। तो हसण्याची संधी असुनी ते सारे रडले होते, मी हासत हासत जगलो, मी दुख पचविले होते, मी एक कवी छोटा सा बदलून टाकतो दुनिया, मी एक कवी छोटा सा। आप कहेंगे कि कवि और दुनिया बदल देता है, हाँ बदल देता है, कैसे बदल देता है देखो, मी एक कवी छोटा सा, धन्यवाद आप, मी एक कवी छोटा सा बदलून टाकतो दुनिया, कैसे बदल देता है देखो, मी एक कवी छोटा सा बदलून टाकतो दुनिया, मी प्रेम मनालो आनिक जग प्रेमळ बनले। कवि ने सिर्फ एक लफ्ज, एक शब्द उच्चारण, वो शब्द निकालना है मुंह से, वैसे ही होता है। सिर्फ मैं कहूं प्यार तो सब पूरी दुनिया प्यार की हो गई। हाँ, मी एक कवि छोटा सा बदलून टाकतो दुनिया, मी प्रेम मनालो आनिक जग प्रेमळ बनले होते, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली। मैं जब भी हंसता हूं तो पेड़ पौधे फूल जाते हैं। हाँ, तो आगे का सुनिए, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी रडलो तेव्हा तेव्हा हे दगड वितळले। जब भी मैं हंसता हूँ पेड़ फूल फूल जाते हैं, और मैं जब रोता हूँ तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये कवि होता है। हसण्याची संधी असुनी ते सारे रडले होते, मी हासत हासत जगलो, धन्यवाद अमोल, मी हासत हासत जगलो, मी दुख पचविले होते, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी रडलो तेव्हा तेव्हा हे दगड वितळले होते, मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित आलो। कवी कहता है कि मैं, हाँ यमन जी, मैं जब भी खूब गाता हूं तो सूरज उठता है, सूरज निकलता है पूरब से मेरे गाने के बाद, मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित आलो, मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित आलो, मी रोज गात अंगाई चंद्रास निजवले। मैंने चांद को भी लोरी गाकर सुला दिया था, मैं ही हूं वही कवि होता है। मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित आलो, मी रोज गात अंगाई चंद्रास निजवले होते, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी। मैंने गगन को झुका दिया और उसके मेघों पर मैंने गाने लिखे हैं। मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी। अब मैंने गाना देखो, गगन झुकाना कवियों के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर गाना लिखना वो भी आसान है, लेकिन हमारा जो देश है उस देश में उस लोगों के साथ रखना कैसे, क्योंकि यहाँ चारा का भी घोटाला हो जाता है,
तो यह गगन का घोटाला हो सकता है। फिर मेरे सहायता के लिए, मेरे मदद के लिए कौन आया? देखो, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी, मग इंद्रधनुने सारे ते रंग उचलले होते। इंद्रधनु मेरे साथ आए और उसने, इंद्रधनु ने आकर सब रंग उठाए। उस दिन से इंद्रधनु कलरफुल हो गया है, उसमें पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट था। मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी, मग इंद्रधनुने सारे ते रंग उचलले होते। मद शब्द समजले कोठे, मद अर्थ उमगला कोठे। शब्द क्या होते हैं मुझे क्या पता, मेरे समझ में कब आए? घर में अगर डिक्शनरी है, शब्दकोश है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके समझ में आता है। शब्द समझने के लिए पूरी उम्र जाती है। मी मद शब्द समझले कोठे, मद अर्थ उमगला कोठे। मद शब्द समझले कोठे, मद अर्थ उमगला कोठे, पण तुझा स्पर्श झाला अन मद सारे कळले होते। लेकिन क्या हुआ, शब्द तो मेरे समझ में नहीं है, अर्थों के बारे में मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात है कि जब तुम्हारा स्पर्श हुआ, ये तुम्हारा का मतलब यहाँ आप भगवान लीजिए, नहीं तो अपनी महबूबा लीजिए, उसका स्पर्श होने के बाद बात सब समझ में आ गई। मद शब्द समझ ले कोठे, मद अर्थ उमगला कोठे, पण तुझा स्पर्श झाला अन मद सारे कळले होते। देवा आखरी शेर है, देवास कधी मी म्हटले मद पाठव पृथ्वीवर, मैंने कब तुझा से कहा कि मुझे जमी पर भेज, मैंने नहीं कहा, फिर क्यों भेज दिया उसने? मन देवास कधी मी म्हटले मद पाठव पृथ्वीवरती, मी गजल लिहावी म्हणूनी त्यानेच ढकलले होते। हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते। मी हासत हासत जगलो मी दुःख पचविले। मी गजल लिया, मैं भगवान को मैंने कहा नहीं था कि मुझे जमीन पर भेज दो, मुझे जन्म दे दो, लेकिन मैं गजल लिखू इसीलिए उसने मुझे धकेला है, ऐसा इसका था। यस दीपा जी धन्यवाद, सब प्रांजुल जी सब धन्यवाद आपको, रोहित जी। मराठी गजल ऐसी होती है, मराठी में बाकायदा गजल लिखते हैं। ये मैं आपको जाते जाते जानकारी देते जा रहा हूँ मराठी के बारे में, क्योंकि मराठी एक बहुत बड़ी एक स्वीट लैंग्वेज है, और हिंदी और मराठी में एक साम्यता है कि दोनों देवनागरी में लिखी जाती है, इसलिए हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और हिंदी के, मैं तो कहता हूं कि हिंदी के 70% लफ्ज मराठी में है, सिर्फ थोड़ा सा कहीं कहीं फर्क होता है, लेकिन 70% लफ्ज अपने इसमें है। धन्यवाद धनंजय। तो इसलिए मराठी और हिंदी का ये जो है ना, ये बहुत अच्छा ताल्लुकात है। और आपको मालूम ही होगा कि मराठी के स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी थे, उन्होंने कहा था हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी, राजभाषा हुई है। लेकिन सिर्फ उतना ही कहा था उन्होंने, ऐसा नहीं, ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने, सावरकर जी ने हमारे कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे जाकर उन्होंने कहा था, वो भी सुन लीजिए आप, क्योंकि इस मंच से सिर्फ मराठी और हिंदी के लोग नहीं जुड़े हैं, सब है, इसलिए मैं कहता हूं कि सावरकर जी ने कहा था कि हर एक को हिंदी, बंगाली, मराठी और गुरुमुखी भी आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। इस प्रयास के चलते अंडमान की भयावह कारावास में ज्ञान का दीप जला, और वहां अंडमान में हिंदी पुस्तकों का संग्रहालय बना, ग्रंथालय बना। कारावास में तब भाषा सीखने की होड़ लगी थी, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सावरकर जी उर्दू भी सीख उन्होंने सीखा था। उर्दू की दो गजलें हाल ही में उनकी मिली है, हमने वो प्रकाशित भी की है, बहुत अच्छी गजलें हैं, बाकायदा गजलें हैं, काफिया, रदीफ और बहर इसके साथ उन्होंने लिखी है। और ऐसे हमारे बहुत
बहुत सारे मराठी कवियों के बारे में मैं बस बता सकता हूँ कि जिन्होंने हिंदी में भी लिखा है, हिंदी का सम्मान किया है। और खुद मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, द्वितीकाल, आधुनिक काल के बहुत सारे कवि पढ़े हैं। छायावाद हो या द्विवेदी युग हो, उसे समझने की मैंने बहुत कोशिश की है। लेकिन क्या है, हमारे जो उस्ताद थे सुरेश भट्ट साहब, उनके बारे में कहना, क्योंकि उनको पहला प्रणाम करने के बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ। हमारे सुरेश भट्ट साहब जो थे, वो खुद मराठी के गालिब उनको कहा जाता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो कवियों की ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मराठी के गालिब कहा जाता है उनको। उन्होंने गजल को बाकायदा मराठी रंग, मराठी मिट्टी की खुशबू उन्होंने दी है। लेकिन सुरेश भट्ट साहब ये पहले हिंदी में भी लिखते थे। ये बहुत बाहर के लोगों को तो बहुत जानकारी कम है, मराठी के लोगों को भी बहुत ये मालूमात नहीं है। और इतने अच्छे लिखते थे कि उन्होंने जब अपनी हिंदी गजलें धर्मयुग के संपादक जी और हिंदी के बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती जी को सुनाई थी, तो धर्मवीर भारती जी इतने खुश हुए थे कि मुझे एक एक गजल आपकी दे दो, मैं हर हफ्ते में उसे छपवाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि मराठी आदमी कितना अच्छा हिंदी लिख सकता है, हिंदी बोल सकता है। और धर्मवीर भारती ने कहा कि आप मराठी का ये छोड़ दो, आप मराठी लिखो मत, आप हिंदी में ही लिखो, हिंदी में लिखने से आप पूरे विश्व में छा जाएंगे। लेकिन मराठी यह हमारी मातृभाषा है, और माँ को छोड़ के मौसी के साथ जाना उन्हें उन्हें उचित नहीं समझा। लेकिन वो कैसे लिखते थे, मैं आपको एक दो चार उनके सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी सब का सुनाते रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, आपको मराठी का थोड़ा बहुत और भी ज्ञान ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए मैं उनकी कुछ गजलें, उनके कुछ शेर आपको जरूर सुनाता हूँ। वो कहते हैं, मतलब देखो, प्यार के इशारों की बात हम नहीं करते, प्यार के इशारों की बात हम नहीं करते, धूप में सितारों की बात हम नहीं करते, धूप में सितारों की बात हम नहीं करते, देखिए तो दरवाजा कौन खटखटाता है, देखिए तो दरवाजा कौन खटखटाता है, अजनबी बयारों की बात हम नहीं करते, अजनबी बयारों की बात हम नहीं करते। और आगे देखिए पंक्ति क्या लिखी, आने वाली दुनिया का हौसला स्वयं हम है, आने वाली दुनिया का हौसला स्वयं हम है, कागजी सहारों की बात हम नहीं करते, कागजी सहारों की बात हम नहीं करते, अब तो अपने आंचल में हमने भर लिए कांटे। बहुत बड़ी गजल है, मैंने वो चुनिंदा शेर लाए आपके लिए। बहुत हम अब तो अपने आंचल में हमने भर लिए कांटे, अब तो अपने आंचल में हमने भर लिए कांटे, आजकल बहारों की बात हम नहीं करते, आजकल बहारों की बात हम नहीं करते, हम ही कल के सूरज की पालकी उठाएंगे। क्या हौसला था, क्या लिखते हैं भट्ट साहब, हम ही कल के सूरज की पालकी उठाएंगे, इन थके कहारों की बात हम नहीं करते। इतना अच्छा लिखने वाले थे भट्ट साहब, उनके अगर मराठी गजलें आप पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि मराठी में इतनी अच्छी अच्छी गजलें उन्होंने लिखी है। सिर्फ काफी और रदीफ और बैर से मत जाइए, उसकी मानी जो है वो इतनी खूबसूरत है कि एक एक शेर आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि कितना अच्छा लिखा है। दो चार शेर और सुना देता हूँ उनके, बाद में फिर मेरी गजल सुना देता हूँ। उनका मतलब देखिए गजल का, जगाची झोकुनी दुखे सुखाशी भांड दुआ, जगाची झोकुनी दुखे सुखाशी भांड तो आम्ही, स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही। पर साहब कहते हैं, सारे विश्व के दुख को पीकर हम सुख के साथ झगड़ा करते हैं, सारे विश्व के दुख को पीकर
सुख के साथ हम झगड़ा करते हैं, खुद के पांव के छाले छुपा कर हम टूटे हुए इंसान को जोड़ देते हैं। ये लिखना था उनका। जगाची झुकुनी दुखे सुखाशी भांडतो आम्ही, स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही। छोटी बहर में भी कितना चरित्र है, ए वडे तरी करू नका। व्हाट्सएप लिखते हैं, एक बहुत ही छोटी बहन है। ए वडे तरी करू नका हाक मार, हे वडे तरी करू नका हा वसंत आवरू नका। व्हाट्सएप कहते इतना तो किए जा, अपने महबूबा से कहते इतना तो कर, इतना तो किए जा, इस बाहर को समेट कर लेके जा। ए वडे तरी करू नका हा वसंत आवरू नका। और एक जगह लिखते मी असा त्या बासुरीचा सूर होतो, मी असा त्या बासुरीचा सूर होतो, नेहमी ओठांपुनी मी दूर होतो। मैं उस बासुरी का ऐसा सूर हूं, ऐसा सूर था जो हमेशा होठों से दूर रहता था। मी असा त्या बासुरीचा सूर होतो, नेहमी ओठांपुनी मी दूर होतो। और दो शेर सुनाकर मेरी एक कविता आपको प्रस्तुत करता हूं। वो कहते हैं दिशा गातात गीते श्रावणाची, दिशा गातात गीते श्रावणाची, कुणाला याद तान्हेल्या तृणाची। दिशाएं सावन के गीत गाती है, दिशाएं सावन के गीत गा रही है, लेकिन किसको याद है उस प्यासे घास की। जो प्यासा है उसकी किसी को याद है कि नहीं, ऐसा वो सवाल करते हैं। भर साहब अपने थोड़े से लूले थे पाव थे उनको, पहले बहुत बचपन में उनको देखा था, लेकिन उसकी वजह से वो ज्यादातर जा नहीं सके, नहीं तो वो बहुत बाहर जाकर वो गजल का हमारा जो परचम है वो लहरा के आते थे। लेकिन वो उनकी बात हर उनके गजल में हर बार वो दुख आता है उनकी गजल में। एक जगह वो कहते हैं दूर जाया से कितीदा घाटले होते, दूर जाया से कितीदा घाटले होते, पाय रस्त्याने समाजे छाटले होते। कितनी बार दूर जाने के मैंने सोचा था, इतनी बार मैंने दूर जाने का सोचा था, लेकिन रास्तों ने मेरे पांव ही काट डाले थे। ये वर्षा। अब मैं आपको मेरी एक हिंदी कविता सुनाता हूं। हालांकि मैंने हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आपको आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूं। आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताइए। मैं पागल होता हूं, आजकल देखो कैसा जमाना है। धन्यवाद भाई। आजकल कैसा जमाना है आपको मालूम है, हर एक किसी का किसी बहाने पर हंसने की कोशिश करता है। हंसना अच्छा है, लेकिन किसी दंज करना अच्छा नहीं, लेकिन वो होता है। और हम जो कवि हैं, ऐसा कहा जाता है कि कवि क्या होते हैं, रोते ही रहते हैं। हाँ हम रोते ही है, लेकिन क्यों और किस लिए, ये सुनो आप। मैं पागल रोता हूं, मैं पागल रोता हूं, हंसने का जमाना है, हंसी उड़ाने का जमाना है, हंसने का जमाना है, हंसी उड़ाने का जमाना है, मैं ही ये मोती पिरोता हूं। मैं पागल रोता हूं, मैं पागल रोता हूं, गरीबी किसी से लड़ती है, गरीबी किसी से लड़ती है, हालत मेरी बिगड़ती है। गरीबी किसी से लड़ती है, हालत मेरी बिगड़ती है, जैसे मैं ही वहां होता हूं। मैं पागल रोता हूं, जैसे मैं ही वहां होता हूं, मैं पागल रोता हूं। किसी के घर में हो शादी सगाई, किसी के घर में हो शादी सगाई, कोई लड़की ले रही हो विदाई, कोई लड़की ले रही हो विदाई,
मैं अपनी ही लड़की खोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ। घर किसी का भी हो खोया, घर किसी का भी हो खोया, अपना हो या हो पराया, घर किसी का भी हो खोया, अपना हो या हो पराया, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ। भगवान किसी का न चाहे भला, भगवान किसी का न चाहे भला, उसका तो हर ढंग निराला, उसका तो हर ढंग निराला, मैं क्यों आंखें धोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ, मैं पागल रोता हूँ। मराठी कविता ऐसी हिंदी में गई है। आज जिनकी जन्मतिथि है हमारे कवि माडगुळकर, बहुत अच्छे कवि थे, जैसे आपने नवरंग और आने ऐसे तूफान और दिया जैसे फिल्मों में आपने उनका जिक्र सुना होगा, उनसे सावरकर जी से, भट्ट साहब से, मेरे यहाँ तक बहुत हिंदी की एक बड़ी अच्छी एक लगन हम लोगों में है। यूं कहिए कि मराठी कविता किस भाषा से जुड़ी नहीं है, किस भाषा से उसने मजा लिया नहीं। मराठी कविता संस्कृत के कवि मथुराम शास्त्री जी हो या जगन्नाथ पाठक जी हो, उनके हाथों से चंदों की पाजे उसने पा ली है। और पंजाबी के साधु सिंह हो, ऋषि पटियाल भी, शिव कुमार बटालवी, मैं कितने नाम लू, पाज, सुरजीत पात्र, आजकल के जगतार जी, ये सब के साथ पंजाब में घूमी है। मराठी कविता कश्मीर के मोहम्मद गामी, अब्दुल अहद अजद, रहमान राही, रसूल मीर, इन सब के साथ, और मजहूर साहब, मजहूर उनके साथ, गुलाम अहमद मजहूर, इनके साथ हमदर्द बनी है। पुणे में मराठी के गणपति का माहौल आपने सुना भी होगा, लेकिन मराठी कविता पुणे के गणपति के साथ साथ नवरात्र के नवरात्रि की बहार देखने नर्मद से नवलराम तक, बालाशंकर कंथारिया से शहदा मरीज तक, मणिलाल द्विवेदी से आदिल मंसूरी तक, सबके साथ नवरात्रि में गई है। और वहाँ के कांता बहन, शोभा बहन, ज्ञानमणि बहन, ज्ञानमणि बहन हसमुख गौरी जी के साथ गरबा खेल कर आए। मराठी कविता ने काजी नजरुल इस्लाम, बंगाल के जो कवि थे काजी नजरुल इस्लाम, उनके हाथों से काफियों की साड़ी पहनी है, और गालिब के उर्दू का मतला बालों में गूंथा है, और दुष्यंत के हिंदी के रदीफ का गजरा लेकर मराठी सुरेश भट्ट साहब का दरवाजा खटखटाने आई है। तिरुपति के वेंकट कुवलु की उसने पूजा की है, और पंडित लखीम चंद उदय भानु जेमिनी हरियाणवी जी, दीपाजी आपका, इन सब से लेकर हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे बड़े भाई समान है हरिराम समीप जी, उनके साथ, इसके साथ मराठी कविता ने मोहब्बत नहीं की अरे के साथ। ऐसे मराठी का मैं एक छोटा सा कवि हूँ, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि मराठी हर एक भाषा के साथ जुड़ी है, हर एक भाषा के ऊपर प्यार करती है। आइए मैं आपको एक मराठी कविता और एक सुनाता हूँ, मेरी कविता, जिस कविता में आपको शायद वो मालूम ही होगी कहानी की, तुकाराम, संत तुकाराम जी जो थे, उनको बहुत लोगों ने तकलीफ दी थी, और वो जहाँ रहते थे देहू गांव जो है, वहाँ एक नदी है इंद्रायणी बोलते, उस नदी में उनके जो लिखी कविता है वो सब डुबो दी थी, उसकी तरफ इशारा है इस कविता में। कविता का नाम है इंद्रायणी। हिंदी में भी आपको बता देता हूं, पहले मराठी में। पर्वाच इंद्रायणीत मी माझ्या गजला बुडवल्या, पर्वाच इंद्रायणीत मी माझ्या गजला बुडवल्या तेव्हाची गोष्ट, मतलब परसों ही मैंने मेरे गजलों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया, तभी की बात है। क्या हुआ उस वक्त सुने, परवाच इंद्रायणी मी माझ्या गजला बुडवल्या तेव्हाची गोष्ट, पुन्हा तोच मुकुट धारण करून इंद्रायणी वर आली, पुन्हा
तोच मुकुट धारण करून इंद्रायणी वर आली आणि माझ्या गजला माझ्या हाती देत म्हणाली, मित्रा आजचे ओठांवरचे अभंग मी न वाचताच तुक्याला परत दिले होते, आजचे ओठांवरचे अभंग मी न वाचताच तुक्याला परत दिले होते, आता ती चूक पुन्हा करणार नाही, तूही वाट पाहू नको, मात्र नवीन लिहिशील तेव्हा ऐकवायला विसरू नको, ऐकवायला विसरू। इंद्रायणी जब परसों मैंने डुबो दिए मेरी गजल इंद्रायणी में, तो वही मुकुट पहनकर इंद्रायणी ऊपर आई और मेरे गजलों को देखकर उसने कहा कि दोस्त आज जिन अभंगों जो तुकाराम जी लिखते थे उनको अभंग कहते हैं, जैसे दोहे होते वैसे अभंग होता है, आज जिन अभंगों को हर एक याद करता है, हर एक की जुबा पर अभंग है, आज तुकाराम हर एक को याद है, मराठी लोगों को हर एक को याद है, वो जो अभंग मेरे पास आए थे तुकाराम के डुबो दिए थे लोगों ने, वो तो मैंने बिना पढ़ के उनको सौंप दिए थे, वही गलती मैं नहीं दोहराऊंगी, तुम भी मेरी राह मत देखो। लेकिन जाते जाते इंद्रायणी ने मुझे ये भी कहा कि जब भी नया कुछ लिखोगे मुझे जरूर सुनाने के लिए आना। परवाच इंद्रायणीत मी माझ्या गजला बुरुल्या, तेव्हाची गोष्ट। तो ये है मेरी मराठी कविता का हिंदी तर्जुमा। और एक मराठी छोटी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि ये पंजाब से जुड़ी है। उसमें अमृता जी, मेरी बहुत प्यारी अमृता जी, बहुत मैं जाता हूँ जिन्हें, अमृता जी, अमृता प्रीतम जी और इमरोज जी, तो मेरे बहुत अच्छे तालुका थे। इमरोज बीमार है आजकल, लेकिन दुआ करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इमरोज जी और उनसे मेरी बात हमेशा, इमरोज जी से मेरी बात होती है, इसलिए मैंने अपने कविता के बारे में लिखा है। देखो अमृता और इमरोज का सब अगर आपको मालूम हो तो ये कविता सुनने में मजा है। मैंने मराठी में लिखी लेकिन आपके लिए हिंदी में प्रस्तुत है मेरी कविता। तुम्ही तो हो मेरी अमृता, मेरी कविता तुम्ही तो हो मेरी अमृता और मैं तुम्हारा इमरोज। मेरी कविता तुम ही तो हो मेरी अमृता और मैं तुम्हारा इमरोज। मैं इमरोज ये सच है, पर तुम्हें मैं अमृता कैसे कहूं, पर तुम्हें मैं अमृता कैसे कहूं, क्योंकि तुम मुझे अमृता की तरह भरे महफिल में छोड़कर कहीं जाती नहीं, क्योंकि तुम मुझे अमृता की तरह भरे महफिल में छोड़कर कहीं जाती नहीं हो, ना ही किसी की तरफ आग उठाकर देखती हो, ना तुम्हारे सपनों में कोई साहित सपने भूलता है। मैं तुम्हें फिर भी कैसे कहूं मेरी अमृता, मैं तुम्हें फिर भी कैसे कहूं मेरी अमृता। अब एक गजल सुना देता हूं। धन्यवाद सुनील जी, इंद्रय, अविनाश जी, धन्यवाद, ये सर धन्यवाद, महेश जी धन्यवाद, सबके नाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, हेमंत जी धन्यवाद, लेकिन हाँ आप, अरे धन्यवाद। अब मैं एक जो मेरी मराठी गजल है और जिसका हिंदी में हमारे दोस्त बलवंत, डॉक्टर बलवंत जीवुरकर जी, उन्होंने उस गजल का तर्जुमा हिंदी में किया, वो आपके लिए पेश करता हूँ। गजल मराठी में पहले एक शेर सुना देता हूँ, मतलब सुना देता हूँ, बाद में हिंदी में ही सब सुना देता हूँ, क्योंकि आपको उसका मजा मिल जाए। पालखी आनू नका दारात माझा, पालखी आनू नका दारात माझा, संत सारे नांदती देहात माझा। मतलब है उन्होंने बहुत प्यारा तर्जुमा किया है, वो सुनिया। पालकी मत लाओ बंधु द्वार मेरे, तो जो पंढरपुर की तरफ पालकी जाते ना उसकी तरफ इशारा है, उसको मेरे द्वार पे मत लाना। क्यों? पालकी मत लाओ बंधु द्वार मेरे, रहते हैं अब संत सारे मन में मेरे, मेरे शरीर में मेरे मन में वो सब संत है। कोटि पद लिखने को फिर नामदेव ने, नामदेव जी थे आपको मालूम ही होगा,
बताने की जरूरत नहीं है कि नामदेव संत नामदेव जो थे वो पंजाब तक आए थे और उन्होंने एक इरादा किया था कि मैं करोड़ों ऐसे अभंग लिखूंगा, लेकिन वो नहीं लिख सके। उसकी तरफ इशारा है, कोटि पद लिखने को फिर नामदेव ने, वो जो उनकी अधूरी इच्छा थी वो क्या पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोटि पद लिखने को फिर नामदेव ने डाले है अब प्राण शब्दों में मेरे, डाले है अब प्राण शब्दों में मेरे, सावता माली है देता रोज सब्जी। सावता माली जो सब्जी उगाता था, संत थे बड़े, उनकी तरफ है, सावता माली है देता रोज सब्जी, भोज करता विश्व है थाली में मेरे, भोज करता विश्व है थाली में मेरे, रोज बुनता हूँ मैं एक सपनों की चादर। आप जान गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा किया है मैंने, रोज बुनता हूँ मैं एक कबीर की तरफ, रोज बुनता हूँ मैं एक सपनों की चादर, रंग जिसको मिलता रहता खून से मेरे, मेरे खून से उसको रख, रोज स्वप्नांची विने मी एक दा, असा तो रेक शेला, उसको शेला बोलते हैं हमारे मराठी में, कबीर जो शेले बिनतो, असा बोलता है। तो रोज बुनता हूँ मैं एक सपनों की चादर, रंग जिसका मिलता है, जिसको मिलता है खून से मेरे। और एक शेर देखिए, क्योंकि ये शेर आपको जानना चाहिए इसलिए क्योंकि ये गजल मैंने जब लिखी थी 1983 में लिखी थी मैंने ये गजल, उस वक्त आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको मालूम है, ऑपरेशन गोल्डन टेंपल हुआ था, गोल्डन टेंपल में कुछ लोग घुसे थे और उसको हमारे मिस्त्री ने उसको बाहर निकाला, उसको मारा था, उसकी तरफ इशारा है। उसके बाद जो एक दंगल हुई थी, दंगा हुआ था, दंगा फसाद, उस वक्त वो अच्छा है कि आखिरी है, फिर से वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब मिलजुल के हम भारतीय है ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हुआ था इसलिए उसकी तरफ मैंने इशारा किया है। शेर सुनिए, जल उठा पंजाब और फिर दौड़ आए, जल उठा पंजाब और फिर दौड़ आए, कौन दौड़ आए देखो, जल उठा पंजाब और फिर दौड़ आए, आंसू नानक जी के इन आंखों में मेरे, आंसू नानक जी के इन आंखों में मेरे, और विश्व के सहरा में फिर एकनाथ ने, संत एकनाथ, संत एकनाथ जिनको कहते हैं मराठी में, वो जो है वो उन्होंने काशी से जल लाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके नदी के यहाँ वो गधा तड़प रहा है प्यास से, वो जल उसके मुंह में उन्होंने डाल दिया इसलिए कि काशी का जल होगा लेकिन उसका जिंदा रहना है, कोई भी प्राणी मात्र जो है उसको जिंदा रहने का हक है, वो जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो डाला था। उन्होंने ये देखा नहीं कि ये पानी हमने किस लिए लाया, ये पानी किसका है, कुछ नहीं देखा, ये उसकी तरफ इशारा है। विश्व के सहरा में फिर एक नाथ ने, विश्व के सहरा में फिर एक नाथ ने, कर दिया खाली घड़ा मुंह में मेरे, कर दिया खाली घड़ा मुंह में मेरे, और सूर ने जो दिए है सूर मुझको, जान गए हो गया आप सूरदास जी के बारे में कह रहा हूँ, सूर ने जो दिए है सूर मुझको। अभी सूरदास जी, मैं हरेराम समीत जी के साथ सूरदास जी के दर्शन लेने गया था, वो वहाँ पे उनके नजदीक गांव है फरीदाबाद के, वहाँ गया था, तो वो शेर मुझे बार बार याद आ रहा था मेरा, ये शेर कि मुझे सूरदास जी ने सूर दिए इसलिए मैं गा सकता, थोड़ी सी झलक आपको दिखाता वो बाद में, लेकिन सूरदास जी ने सुर दिए हैं, लेकिन वो गाना जो है मेरा वो इफेक्टिव होना चाहिए, गाने का परिणाम होना चाहिए, तो इसके लिए मेरी मदद कौन कर रहा है देखो, सूर ने जो दिए है, सूर ने जो दे दिए है सूर मुझको, दर्द मीरा भरती है गीत, दर्द गीत मीरा भरती है गीतों में मेरे, और ये जनाई पीसती जीवन को मेरे। जनाबाई वो मराठी संत थी, वो आटा गूंथती थी, तो उसके साथ भगवान खुद आ बैठते थे इसकी तरफ है।
यह जनाई पीसती जीवन को मेरे, डालता हूँ चक्की में खुद साल मेरे, जहाँ डालता हूँ चक्की में खुद साल मेरे, और तश्करी तश्तरी का क्या हुआ अब वो न जाने, तश्तरी एरोप्लेन को कहते हैं ना, तश्तरी का क्या हुआ अब वो न जाने, आ गया है फिर तुकाराम राव मेरे, आ गया है फिर तुकाराम राव मेरे, बाल की मत लाओ बंधु द्वार मेरे, रहते अब संत सारे मन मेरे, रहते अब संत सारे मन मेरे। शुक्रिया सब को, शुक्रिया पंडित जी, अस्ताना जी, हाँ वैशाली जी, सब धन्यवाद धन्यवाद दीपा जी। अब क्या सुनाऊं आपको, एक मेरी गजल है वो 2000 में मैं और आप जानते हैं हमारे भारत के बहुत बड़े कवि, मेरे बहुत अच्छे अच्छे कवियों के साथ बहुत ताल्लुकात अच्छे में, जैसे नरेश मेहता जी है हिंदी के, उनसे मेरे पास उनके कुछ खत भी है, ऐसे लोगों से मेरा रिश्ता है। और ऐसे आप जानते हैं सर निदा फाजली साहब, निदा फाजली साहब और मैं 2000 में 14 जून वो तारीख में मुझे याद है, और उस सफर हम सफ़र कर रहे थे, मुंबई से हम नासिक जा रहे थे, मुंबई से नासिक जा रहे थे, और उस वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि प्रदीप जी आपने कुछ नया नई गजल लिखी है, तो मैंने जो नई गजल लिखी तो उनको बता दिया कि ये मेरी गजल है। मेरा सौभाग्य यह है कि उन्होंने उस सफर में पूरी गजल उर्दू में उसी बहर में तर्जुमा उसका किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है, आप जानते हैं कि उसी बहर में करना बहुत कठिन। मेरी मराठी गजल का पहले मतलब सुना देता हूँ, बाद में उन्होंने तर्जुमा जो किया वो आपको, मैंने मराठी में लिखा था, याद आली दिवे लागत आना, याद आली दिवे लागत आना, रात्र गेली सुने देव ताना। और फिर उन्होंने वो सुनते उसी बहर में किया, देखो उसी बहर में, याद आई दिया जब जलाया, याद आई दिया जब जलाया, लो की सूरत समय लौ की सूरत समय थर थर आया, याद आई दिया जलाया। शेर देखिए, खुशबू आती है शब्दों से मेरे, खुशबू आती है शब्दों से मेरे, तेरी आवाज का जैसे साया, तेरी आवाज का जैसे साया, और चांदनी थी मेरे पीछे पीछे, चांदनी थी मेरे पीछे पीछे, कैसे सूरज ने मुझको सताया, कैसे सूरज ने मुझको सताया, याद आई दिया जब जलाया, जो हुआ सो हुआ सोच करिए, जो हुआ सो हुआ सो। ये खास निदा साहब की स्टाइल है, देखो जो हुआ, उनका एक कॉलम भी था जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ सोच करिए, हमने माजी को अपने भुलाया, हमने माजी को अपने भुलाया, हमको जिस पल गिला था समय से, हमको जिस पल गिला था समय से, वो ही पल लौट कर फिर ना आया, वो ही पल लौट कर फिर ना आया, वो तुम्हें जीत अपनी मुबारक, वो तुम्हें जीत प्यार में हार रहे चलता है, वो तुम्हें जीत अपनी मुबारक, अपनी बाजी को मैं हार आया, याद आई दिया जब जलाया, लव की सूरत समय थर थर आया, लव की सूरत समय थर थर आया। धन्यवाद फिर से आप सबको, और एक आ गया है फिर, यस मैं या स्मरण
अरे चेतना जी, आपने जिस गजल का जिक्र किया है वही गजल मैं आपको सुनाने वाला था, वही गजल आपको सुनाता हूँ। क्योंकि हम कहते हैं जिनकी आज जयंती है, गदी माडगुलकर, इनका मैंने अभी जिक्र भी किया था। माडगुलकर जी शब्दों का पेंटिंग कर देते, ऐसा कहते हैं, वो एक चित्र बना देते थे। उनकी कविता सुनने के बाद आपके सामने लैंडस्केप खड़ा रहता था, लेकिन शब्द क्या कर सकते हैं, शब्द कथक भी कर सकते, शब्द नृत्य भी कर सकते हैं। देखिए आपको वही गजल सुना देता हूँ, चेतना जी ने बहुत अच्छी याद दिलाई मुझे। वो गजल ऐसी है मराठी में और बाद में हिंदी में। मराठी में देखिए, उस बहर का छंद देखिए और उसका ताल देखिए कि जिससे आप समझ सके कि कथक के छंद है वो। थोड़े अमृत अन गुलाब जल, थोड़े से मत थोड़े अत्तर, थोड़े अमृत अन गुलाब जल, थोड़े से मत थोड़े अत्तर, देवा ने या तुला घडविले माझ्या खातर। मतलब है जरा सा अमृत, गुलाब का पानी जरा सा शहद और जरा सा इत्र, ये सब किसमें है? जरा सा अमृत, गुलाब का पानी जरा सा शहद और जरा सा इत्र, खुदा ने बनाया है तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा, मेरे लिए इतना सुंदर। थोड़े अमृत अन गुलाब जल, थोड़े से मत थोड़े अत्तर, देवा ने या तुला घडविले माजा खातर, इतके सुंदर इतके सुंदर, इतना अच्छा बनाए, देखो क्या क्या किया है इस भगवान ने उसके लिए, इतने इतके सुंदर इतके सुंदर, कैसे सुंदर। कामधेनुच्या गोड दुधाची साय काढूनी तुला लावली, कामधेनुच्या गोड दुधाची साय काढूनी तुला लावली, म्हणून माझे गाणे जाते पंख लावूनी तव अधरांग। कहने का मतलब है कि कामधेनु जो स्वर्ग में रहती है, जन्नत में जो रहती है ना कामधेनु गाय, उस गौ माता का दूध निकालकर उसके मलई जो निकालती है, उस मलई से तुम्हें नहाया गया है धरती पे भेजने से पहले, और उसने ऐसा किया इसलिए तुम इतनी स्वीट इतनी अच्छी शहद जैसी बनी हो, कि इसीलिए मेरे जो गीत है वो पंख लगाकर तुम्हारे अधर के ऊपर जाते हैं। ये मीनिंग सुन के फिर से शेर सुनिए। कामधेनुचा गोड दुधाची साय काढूनी तुला लावली, कामधेनुचा गोड दुधाची साय काढूनी तुला लावली, म्हणून माझे गाणे जाते पंख लावणी तव अधरांगर, थोडे अमृत अन गुलाब जल, थोडे से मत थोडे अत्तर, सहा ऋतूंनी आप आपले दाग दागिने तुला अर्पण, सहा ऋतूंनी आप आपले दाग दागिने तुला अर्पिले, तेव्हापासून चांदी देहे पैंजन पडते काळे ठिकर। छह ऋतु जो है हमारे यहाँ, बसंत है ना, ये सब छह ऋतु है, उन्होंने अपने खुद के गहने तुम्हें दे दिए हैं, मेरे महबूबा से यानी मेरी पत्नी से मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हें अपने गहने दिए हैं, अर्पण किए हैं, और उस दिन जब तुम्हें अर्पण किए थे उस दिन से चांदी की पायलिया जो है वो चल रही है, और चल रही है इसलिए वो काली पड़ रही है। सहा ऋतूंनी आप आपले दाग दागिने तुला अर्पिले, तेव्हा पासून चांदी ते हे पैंजण पडते काळे ठिक्कर, भोई कुठली नजरेवरती मदनाने तो बाण रोवला, भोई कुठली नजरेवरती मदनाने तो बाण रोवला, रती म्हणाली मादक तेला रहा सुखाने हे तुमचे घर, रहा सुखाने हे तुमचे घर। कहने का मतलब ऐसा है कि तुम्हारी भवे जो हैं वो भवे कहाँ हैं, वो तो मदन नामक जो भगवान होते हैं उन्होंने अपने खुद का बाण, उन्होंने अपने खुद का तीर वो रखे हैं दोनों तरफ, और तुम्हारे बना तुम्हें बनाने के बाद
रति जो है मदन की पत्नी, वो रति जो है वो मादकता से कह रही है कि ये तुम्हारा घर है, यानी कि मेरी महबूबा जो है उसका, उसके लिए वो कह रही है कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुमने रहना चाहिए, मादकता को कह रही है। फिर से सुनिए मानी सुनने के बाद। भोई कुठली नजरे वरती मदना ने हा बान रुवला, रति मनाली मादक तेला रहा सुखाने, हे तुमसे घर तुझे पाहुनी काले कुंतल अंधाराने तोंड धोवे, तुझे पाहुनी काले कुंतल अंधाराने तोंड लिपविले, तुझे पाहुनी काले कुंतल अंधाराने तोंड लिपविले, तुझी तुझे तुझी शुक्रता घेण्यास आले क्षितिजा पाशी सुतते अंबर। कहने का मतलब सुनिए कि तुम्हारी जो काली काली जुल्फे है, उस जुल्फों को देखकर अंधेरे ने अपना मुंह छुपा लिया है, अंधेरे को एहसास हुआ है, अंधेरा कह रहा है कि अरे मुझसे भी ये काली जुल्फे अच्छी है, मुलायम भी है और अच्छी है, काली ज्यादा मुझसे काली है, और तुम्हारी काली जुल्फे देखकर अंधेरे ने अपना मुंह छुपा लिया है, और तुम्हारा गोरापन जो है वो पाने के लिए अभी भी गगन धरती पर झुक जाता है। फिर से शेर, तुझे पाहुनी काले कुंतल अंधाराने तोंड लपविले, तुझी शुभ्रता घेण्यासाठी क्षितिजा पाशी झुकते अंबर, क्षितिजा पाशी झुकते अंबर, तुला पाहुनी दूर पळाल्या माझ्या चिंता व्यथा काळजी, तुला पाहुनी दूर पळाल्या माझ्या चिंता व्यथा काळजी, तुला पाहुनी सुखी आले आपुल्या दारी मुलांबरोबर। अब इसका तर्जुमा सुनिए कि तुम्हें देखकर मेरी चिंताएं, मेरी व्यथाएं, मेरी फिक्र सभी भाग गए तुम्हें देखने के बाद, और तुम्हें देखने के बाद हमारे घर सुख भी आया है, लेकिन सुख अकेला नहीं आया है, अपने बच्चों को भी लेके साथ आया है, अकेला नहीं आया, इतना सुख आया है। तुला पाहुनी दूर पड़ा लिया माझा चिंता व्यथा कालजी, तुला पाहुनी सुखी आले आपल्या दारी मुलांबरोबर, सारे काही तुझे निराळे गोड गुलाबी हवे, सारे काही तुझे निराळे गोड गुलाबी हवे हवेसे, पण हृदयावर हक्क सांगण्या, पण हृदयावर हक्क सांगण्या, केलीस बाई तू माझ्यावर, तू माझ्यावर। हिंदी में बताता हूं तो, तुम्हारा सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ मीठा है और गुलाब की तरह गुलाबी है, लेकिन एक बात तुम्हें और मुझ में कॉमन है, तुम्हारे जैसे शहद जैसा मैं नहीं हूं, मुझ में अमृत नहीं है, हलाल ही है, लेकिन तुम्हारे और मुझ में एक बात कॉमन है, वो कौन सी है, कि हृदय के ऊपर हक जताना तुम्हें मेरी तरह आता है, सारे का ही तुझे निराले गोड गुलाबी हवे हवे से, पण हृदयावर हक्क सांगण्या, गेली सफाई तू माझ्यावर, तू माझ्यावर। अरे अस्ताना जी धन्यवाद, आपको सीखने को मुझसे थोड़ा बहुत मिला तो भी बहुत अच्छा है, आपसे भी मैं कुछ सीख लूंगा जरूर जरूर जरूर। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया, इतना जी सगैंडा धन्यवाद सुनाए का। दीपा जी, दीपा जी मेरे ख्याल से आप खत्म करते हैं, वक्त भी हो चुका है और लोगों को प्यासा रखना ही अच्छा है ना। आप आदेश दीजिए, रहमान मुसव्वर जी वाह भैया क्या बात है, आप आए हैं, वाह 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 बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है, शुक्रिया दीपा जी। महेश जी शुक्रिया, आवाज भी सुंदर। अरे महेश जी मेरा आवाज आज अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसे अच्छा कह रहे हैं, शुक्रिया, आप मेरा अच्छी आवाज सुनने के लिए पूना जरूर आइए, जरूर धन्यवाद कादंबरी चेतना जी, धन्यवाद। इन आज और ऐसी रचनाओं का आनंद नहीं मिला, अरे जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अरे भाई धनंजय जी आपके मैं डिमांड पूरी नहीं कर सकता, अभी बहुत भी हो चुका है, और अरे
आपकी बहुत वो, अरे गगन स्पर्श क्या करना भाई, धन्यवाद प्रताप। अरे प्रताप तेज मन लेना है, धनंजय जी ने भी वही कहा है, लेकिन दीपा तो धन्यवाद धनंजय जी ने हमारे को धन्यवाद दिए। दीपा जी आप कहिए, एक गजल सुनाओ या कुछ ऐसे चुनिंदा शेर भी मैंने लाए, जो मेरे शेर चुनिंदा मैं अगर पेश करूं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो गजल सुनाने के लिए बहुत है, और ये जो मेरे सब मित्र है, अरे भैया दीपा जी सही बात है आपकी, लेकिन आप पुणे आइए, हाँ आपको बहुत सारा सुनाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको, क्योंकि आज मेरा सचमुच गला ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको गा के भी सुनाता। हमारे धनंजय जी बहुत प्यार करते हैं उस गजल के ऊपर। चलो दो लाइनें सुना देता हूँ, उनकी भी उनका भी मान रखता हूँ, और आपको दो लाइन सुना देता हूँ, मतलब ही सुना देता हूँ गाकर। गुंतत गेलो दोघे आपण, मलान कळले तुला कळले। हम दोनों जब प्यार में फंस गए, दोनों को भी, हाँ शेर सुना देता हूँ, दोनों को भी याद नहीं रहा कि कैसे हुआ, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। गुंतत गे लो तो घे आपन, मलान कळले तुला कळले। कसा उन्हाळा धूप धूप के दिन, कसा उन्हाळा झाला श्रावण, मलान कळले तुला। अर्क जी आपको भी तहे दिल से प्रणाम, धन्यवाद। आप आइए, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं मराठी के, मराठी मराठी लोगों का कविता के ऊपर प्यार देखो, कितने कादंबिनी जी जैसे सुबह उठ के आइए, कहाँ कहाँ से आए, धनंजय जी भी प्रोग्राम छोड़ के आए। अरे शुक्रिया चुनिंदा शेर सुना देता हूँ, जाकि आपको अच्छे लगे मेरे ऐसे तो शेर में जो बहुत प्यारे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। एक ऐसी गजल, एक मतलब और सुना देता हूँ, एक प्रस्तुति उसकी तरन्नुम देखिए आपने। राम धालो मी हरि घन श्याम धालो मी, राम धालो मी हरि घन श्याम धालो मी, जन्म कुठलाही मिळो जन्म कुठलाही मिळो, बदनाम झालो मी राम झालो मी। कहने का मतलब है कि मैं कभी घनश्याम बना कभी राम बना हूं, लेकिन जन्म कोई भी मुझे मिले लेकिन मैं बदनाम ही हुआ हूं। एक शेर ऐसा ही है मेरा कि मीन शंकर मीन मीरा मीन सॉक्रेटिस। देखिए शंकर रूप भगवान का रूप है, मीरा भक्ति का है, मैं शंकर नहीं हूं मीरा भी नहीं हूं, और सॉक्रेटिस तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिलोसॉफी के फिलोसॉफर थे, सुकरात जिसे उर्दू में सुकरात कहते, सॉक्रेटिस को मराठी में सॉक्रेटिस ही कहते हैं, इंग्लिश का वही यूज किया है सब। मैं तो तीनों ने, मैं तो ज्ञानी भी नहीं हूं, कभी कहा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं भक्ति मीरा की जैसी मेरी नहीं, मैं शंकर भगवान तो जरूर नहीं हूं। फिर क्या हुआ, मीन शंकर मीन मीरा मीन सॉक्रेटिस ही, मदद तरी ही जीवन आते विष प्यावे लागे। मैं तीनों भी नहीं हूं, फिर भी मुझे जीने का हलाहल पीना पड़ा। मीन शंकर मीन मीरा मीन सॉक्रेटिस ही, मदद तरी ही जीवन आते विष प्यावे लागे। एक शेर ऐसा ही सुन लीजिए, नए गजल का है लेकिन आप सुन लीजिए, कि मी खूप येथे पाहिले हे लोक सरड्यांसारखे, मी खूप येथे पाहिले हे लोक सरड्यांसारखे, विटलो पुरा देवा आता कर तू मला रंगांधळा।
कहने का मतलब है कि मैंने बहुत लोग यहां देखे जो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे थे। अब उनकी तो आदत जाने वाली नहीं है, तो भगवान मेरे लिए इतना तो कर, उनकी आदत मत छोड़, लेकिन मेरे लिए इतना कर कि मैं उलझा गया, मैं इनसे बहुत तकलीफ में हूं इन लोगों के साथ, इसलिए आप मेरी रंग रंगों की पहचान ही मिटा दें। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले मैं देखता हूं उनको, लेकिन मेरे रंगों की पहचान मिटा दें। मी कूपे थे पाहिले हे लोक सरड्या सार थे विठलो पुरा देवाता कर तू मला रंगांधळा। माँ के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक शेर सुनिए, क्योंकि बचपन में मेरी माँ गुजर गई, उसके ऊपर मैंने लिखा था कि सोडुनी मला गेली माझी कधीच आई, सोडुनी मला गेली माझी कधीच आई, माँ को आई कहते हैं मराठी में, और उसके मीनिंग भी बताते हैं कि आ का मतलब है आत्मा और ई का मतलब है ईश्वर, दोनों जिसमें है हमारी आत्मा है हमारी ईश्वर है, तो वो आई जो है उसकी तरफ मैं कह रहा हूं कि सोडुनी मला गेली माझी कधीच आई परी मला थोपटते अजूनही आई। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के कब की गुजर गई, लेकिन उसने जो लोरी सुनाई थी वो आज भी सुनाई देती है, आज भी मेरी कानों में है, और उसी की वजह से मैं सो जाता हूं आराम से। एक शेर ये भी सुनिए, ये तुला भेटन्या धावत है तो सशा प्रमाणे, खरगोश की तरह मैं तुम्हें मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते आता हूं। तुला भेटन्या धावत है तो सशा प्रमाणे, तुला भेट लो की पायांचे कासव होते, तुम्हें मिलने के बाद मेरे पैर कछुए जैसे हो जाते हैं, खरगोश की तरह आता हूं लेकिन मेरे पैर जो है तुम्हें मिलने के बाद कछुए की तरह जाना नहीं जाते। तुला भेटन्या धावत है तो सशा प्रमाणे, तुला भेट लो की पायन से कासव होते। और एक शेर ये भी सुनिए कि दृष्ट घे काढून मेरी महबूबा इतनी अच्छी है, उसको नजर न लग जाए किसी की, इसलिए हम नजर उतार देते हैं। अब नजर उतारने के तरीके अलग अलग होते हैं। गुप्ता जी देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में जो नमक से दृष्ट नजर उतार, हरियाणवी जी लोग अलग रहते, शायद जूते से निकालते होते, अलग अलग निकालते हैं लोग, अलग अलग तरह के होते हैं लोग निकालते। लेकिन कवि जो होता है वो अपनी महबूबा की नजर कैसे उतारता है देखो, दृष्ट घे काढून डोळ्यांनीच माझ्या, दृष्ट घे काढून डोळ्यांनीच माझ्या, सांगली नाही जगाची नजर, ये दुनिया की नजर बहुत, तुम मेरी आंखों से तुम्हारी नजर उतार। और एक लास्ट वाला चीज सुनाता हूं कि ये सिलसिला कायम रहे, इसलिए ये कहता हूं आखिरी शेर कि एकमेकांना विसरणे शक्य नहीं, हम किसी को भूलते नहीं है, आप भी हमें मत भूले और हम भी सब आसाना जी सब सबको कह रहा हूं मैं, गुप्ता जी सबको, हम एक दूसरे को भूलेंगे नहीं कभी भी, एकमेकांना विसरणे शक्य नहीं, ये नशा आता उतरने शक्य नहीं, ये जो नशा है शराब की नशा नहीं होती, दोस्ती की होती है, प्यार मोहब्बत की होती है, ये नशा आता उतरने शक्य नहीं। धन्यवाद फिर से एक बार सानिध्य जिसने जुड़ाया है मराठी हिंदी लोगों को, आप और भाषाओं को हम जुड़ेंगे और ये सिलसिला कायम रखेंगे, हम सभी मदद अमित जी ने कहा है वैसे मदद देंगे। अमित जी दीपा जी दोनों को भी बहुत मैं आभारी हूँ, तहे दिल से सबका शुक्रिया, हरि जी आपको भी शुक्रिया, हाँ यस शुक्रिया शुक्रिया सबको, मिलेंगे फिर।